आज आप देख रहे हैं कि मनुष्यों का गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। आदमी पेट के लिए ही आज दुनिया भर में भागदौड़ कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहा है। यही हाल जानवरों का भी है। हम लोगों ने उनके घरों यानी जंगल पर कब्जा कर लिया है और अंधाधुंध शहरीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से जंगल समाप्त होते जा रहे हैं और हरे भरे जंगलों को काट कर हम लोग कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। यही कारण है कि जानवर अब भटकते हुए शहरों में आ जाते हैं और अभी गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में जो तेंदुआ आया है उसी का ही एक उदाहरण है। आखिर जानवर इन इलाकों की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? बढ़ती इंसानी आबादी और घटते जंगल इसका एक बड़ा कारण हो सकते हैं। क्या पता ये रियायती इलाके कभी जानवरों के घर रहे हों? क्या वह अपने पुराने घरों की ओर लौट रहे हैं? हम इंसानों ने उनका इलाका, उनका आशियाना छीन लिया है जहाँ कभी वह शांत से रहते थे। वहाँ आदमी ने गगनचुंबी इमारतें बना ली है। सवाल यह कई हैं, हमें इनका जवाब तलाशने की जरूरत है। पशु इंसानी आबादी के बीच नहीं आ रहे हैं, इस समय लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जिसके चलते जंगलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। खेती के नाम पर भी जंगलों की बेहिसाब कटाई हो रही है, इसके चलते वन्य पशुओं के ने घनी आबादी और रियायती इलाकों की ओर अपना रुख करना शुरू कर दिया है। वन से सटे इलाकों में वह सुरक्षित ठिकाने के तलाश में भटकते हैं, इस कारण कई बार वह रियायती इलाकों में दिख जाते हैं। रियायती इलाकों में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनके कुनबे में संघर्ष शुरू होने और सर्दी की वजह से भोजन की कमी होने के कारण। तेंदुए जो आज शहर की ओर रुख कर रहे हैं उसका मेन रीजन ये भी है। दिल्ली और NCR में अरावली पहाड़ी है, वो फेफड़ों का काम करती है और जब इसको खत्म किया जाएगा तो इसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। आलीशान बिल्डिंगें बनती जा रही हैं तो तेंदुए कहाँ जाएंगे? भोजन से अधिक प्यास बुझाने के लिए तेंदुए और अन्य जीव रियायती इलाकों में आ रहे हैं। अरावली में भी खनन के लिए जो विस्फोट किया जा रहा है उससे भी जानवरों का चयन छिन गया है। तो हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग तेंदुओं को या किसी भी अन्य वन्य जीव को बचाए और उसको बचाने के लिए हम लोग आधुनिकीकरण के लिए वनों का कटान रोके, वनों की रक्षा करें, यह बहुत जरूरी है।